4-5 महीने से रेगुलर आपकी जितनी भी वीडियोस आती है ना वो देखता रहता हूँ। ओके, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है मतलब। तो ट्रांजिट में मुझे भी पहले डाउट था, भी मुझे ट्रांजिट में दिक्कत ना आए, आपकी वीडियो वगैरह देख के पता लगा भी ट्रांजिट में कोई इशू नहीं फ्लाइट है। भाई का जो सिस्टम मैंने देखा ना और लोगों से सुना, तो वो कहता है ये अपनी मर्जी से चलते हैं, कहने का मतलब इनका टाइम नहीं, दिल्ली से भी तकरीबन उन्होंने करना दुबई में चेकिंग ज्यादा है, TRPC या सर्टिफिकेट होना का उसके लिए। सिंपल सी अच्छा बात है, जो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना, मैं तकरीबन 2006 से रेगुलर ट्रेवल कर रहा हूँ, ओके ओके तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, टर्किश देखने में बिल्कुल इंग्लिश है, जब हाँ पढ़ते हैं ना तो हेलो आपको फ्रेंड्स, ऐसे कुछ वेलकम बैक टू द लगता चैनल। मैं रविंद दीवान आपको स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे बंदे टर्की के बारे में पूछते हैं, कोई दुबई सर्बिया चलता रहता कुछ ना कुछ। तो भाई अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्की के बारे में कि इंडिया से जिसको टर्की ट्रैवल करना है, न्यू रूल्स डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें, ठीक है। और भाई इंस्टाग्राम मेरे, उसको फॉलो करो। और इस तरीके की वीडियोस एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग शेयर करते रहते हैं, इससे ट्रैवलर्स की हेल्प होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को शेयर करना ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। तो अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो? थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा अमनदीप जी, आप फाइनली टर्की पहुंच गए, कैसा लग रहा है? भैया बहुत बढ़िया, यहाँ का मौसम है ना, इस टाइम बर्फबारी हो रही है, आज आज वैसे बर्फ नहीं है, ओके कल बर्फ थी बहुत ज्यादा, तो बता रहे थे भी एयरपोर्ट भी कल से बंद पड़ा हुआ है, अच्छा मनदीप जो जी, इस्तांबुल एयरपोर्ट है। वीडियोस कब से फॉलो कर रहे हो? मैं तकरीबन तो 4-5 महीने से रेगुलर आपकी जितनी भी वीडियोस आती है ना वो देखता रहता हूँ। ओके, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है मतलब, फायदा हाँ हुआ बिल्कुल आपका? बिल्कुल सही सही, नहीं बेनिफिट तो ऐसा है ना भैया, यानी सही इन्फॉर्मेशन वैसे मिलती नहीं, आपको पता यूट्यूबर ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ फॉलोवर बढ़ाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन, बातों क्या को कहने घुमा का मतलब, देते जो हैं। डोंकी का काम करते हैं, हाँ जी वो आप समझ गए होंगे, डोंकी काम करते हैं वो मिसगाइड करते हैं मोस्टली, और आपके चैनल पर ये चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अमनदीप जी, चलो आपने वीडियो फॉलो करी और फाइनली आप पहुंच गए हो, राइट? आपने हमने टर्की की वीडियोस भी डाली थी, आपने वो भी देखी होंगी। हाँ जी, यानी मैंने टर्की की वीडियो भी देखी आ गया। हाँ तो भाई देखो, ऐसे ही रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं और इससे काफ़ी ट्रैवलर्स की, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो और भी ट्रैवलर्स देखेंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो अमनदीप जी बात सही करते है बात। हैं, आपने ट्रैवल किया है इंडिया से टर्की, तो इंडिया से आपने कब ट्रैवल किया, कब आपने बोर्डिंग करी? मेरा 23 को दोपहर अपना 2 बजे का फ्लाइट था, अपना फ्लाइट दुबई का। दिल्ली से? तो अमनदीप जी, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के अंदर RT-PCR का, और जो टर्की जाना चाहते हैं ना, रैपिड का भी उनके अंदर मन में डाउट रहता है कि भाई रैपिड नहीं हमें भैया, इस कराना फ्लाइट से, है। हाँ जी ऐसे है, अगर आप फ्लाइट सॉरी अपना यानी कि जैसे मेरा फ्लाइट दुबई का ट्रांजिट था, तो ट्रांजिट में मुझे भी पहले डाउट था, भी मुझे ट्रांजिट में दिक्कत ना आए, आपकी वीडियो वगैरह देख के पता लगा भी ट्रांजिट में कोई इशू नहीं है, भी सिर्फ रैपिड टेस्ट है जो ना सॉरी RT-PCR है जो वो टर्की के लिए ओनली चाहिए, वैसे वो 72 आवर्स कहते हैं, पर मैंने 48 के हिसाब से अच्छा किया था किया, ताकि अच्छा मुझे किया। किसी टाइप का दिक्कत ना आए। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी दूसरा मेरा पहले जो मेरा मूड था वो, पहले मेरे पास दुबई का ट्रांजिट वीजा है तो मेरा मूड था भी, पहले मैंने दुबई 2 दिन की स्टे करने का मूड था, पर जो हालात दिल्ली से सुन रहे हैं ना, जैसे लोग यानी कि इतना पॉजिटिव आ गया या उसको देखते हुए, हाँ तो हाँ 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 मैंने उसको डिले कर दिया, कहने का मतलब मैं वापसी के टाइम यानी कि अपना ट्रांजिट करूंगा दुबई से। ठीक है ठीक है। नहीं, आपकी ये बात अमनदीप जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, विस्तारा एयरलाइन थी, वहां पे RT-PCR लोगों का एयरपोर्ट पे नेगेटिव, लेकिन रैपिड जब वो करवा रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस तरीके का अभी पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे दिल्ली एयरपोर्ट पे। हाँ हम भी सुन रहे हैं, वैसे खैर मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं तो इसी कंफ्यूजन के कारण यानी कि दुबई का मैंने ट्रेवल यानी कि जाने के लिए छोड़ दिया, मैंने कहा वापसी में जो दिक्कत आएगी तो या फिर फिर आएगी कोई इशू नहीं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट थे बार वो बता दीजिए, जब आप बोर्डिंग लेने गए। मेरे पास भैया जो टर्की का वीजा तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, वो तो पहले से मैंने बिल्कुल तकरीबन 1.5 साल पहले ले लिया था, बिल्कुल तो बिल्कुल एक तो मेन वो था, दूसरा ओनली RT-PCR टेस्ट, कोई यानी कि टर्की जाने के लिए आपको भी पता है यानी कोई भी यानी कि दूसरा रैपिड या कुछ नहीं कराना पड़ता, सिर्फ RT-PCR मांगते बिल्कुल हैं। बिल्कुल भाई, तीसरा जो सोच HGS रहे हैं कोड, कि जो यानी कि उनकी हाँ तीसरी जो टर्की की थी वो मेन रिक्वायरमेंट है उनका, हेल्थ फॉर्म है सिंपल सा बिल्कुल HGS कोड एच ई वाला। एस कोड होता है भाई एक, वो जरूरी है। हाँ मैंने वो ले लिया था, बट आप मानेंगे नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर कहीं भी मुझे HGS कोड या टर्की हेल्थ फॉर्म के बारे नहीं में देखो एक भी क्वेश्चन नहीं अमनदीप पूछा जी, गया। मोस्टली क्या होता है, जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स है ना अपने, दिल्ली में ही वो करते हैं चेक, आगे इतना कोई इतनी वो पूछता नहीं है, राइट? आगे जो मेन है आपका
जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका आरटीपीसीआर ही है मेन आपका डॉक्यूमेंट, राइट। आरटीपीसीआर और दूसरा अपना वैक्सीनेशन फुली सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो भी है। वीजा को और पासपोर्ट को बाद में देखते हैं, पहले कहते हैं प्लीज गिव मी अच्छा योर अच्छा वीजा, अच्छा वीजा आरटीपीसीआर। वीजा अपना आरटीपीसीआर, अपना आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और रिटर्न टिकट थी आपके पास, रिटर्न टिकट। हाँ जी हाँ जी, मैंने फ्लाइट दुबई का ही रिटर्न टिकट लिया था, सिंगल पीएनआर का। ओके ओके। अच्छा तो बोर्डिंग लेते टाइम कोई परेशानी आई फ्लाई दुबई से? नहीं भैया देखो, मेरा बोर्डिंग सिर्फ 3 मिनट का था, उसका रीजन था मेरा एक फ्रेंड जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में है, सीआईएसएफ में, ओके तो उसके कारण मुझे यानी कि जाते से इंस्टेंट जैसे वीआईपी मिलता है ना, ओके तो ओके मैंने सिर्फ ओके उन्होंने फ्लाइट दुबई के एम्प्लॉइज को कह दिया था, जो भी उनके सीनियर थे, भी ये हमारे फ्रेंड है, ओके तो ओके इनका ओके आप बोर्डिंग करा दो। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में भी देखने में सिर्फ एक बार सिंपल सा देखते हैं ना, जैसे सिर्फ 2 या 3 मिनट लगे हमको, और चलो साथ ही अमनदीप साथ जी, ये नया आपको मैकेनिक आपको आता। बेनिफिट मिल गया, आपने कुछ देखा हो वहां पे किसी के साथ बहस चल रही थी या किसी को बोर्डिंग डिनाई कर रहा था ऐसा नहीं कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था भैया, वैसे हो सकता है बाद में हुई हो किसी से, हमारा बोर्डिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ था ना, हमने साथ ही साथ ही करवा लिया था। ओके 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 हमारे से एक दो आगे भी थे, उनको भी कोई ऐसा इशू वाला बात नहीं हमने देखा, ओके ना ही ओके हमने जहाज में सुना किसी से किसी को इशू हो ऐसा। हाँ, जैसे बाद में भी बंदे आ जाते हैं तो इतना मतलब इशू फ्लाई दुबई से किसी को नहीं आया, राइट। हाँ जी, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पुटअप तो कर चलो लेना, भाई मैं बिल्कुल नहीं डरता, बस ये मैं भी फोन आप कर एक लूंगा। अच्छा ऑप्शन लेके चल सकते हो कि भाई फ्लाई दुबई से आप टर्की ट्रैवल कर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। एक चीज़ और मनदीप जी, कितने की फ्लाइट पड़ी आपको अगर बात करें तो? मुझे जो फ्लाइट थी वो तकरीबन 57,000 की पड़ी थी, क्योंकि मैंने जो एक तो ली थी अपना रिफंडेबल, अगर बाय डिफॉल्ट तकरीबन 1 महीने पहले बुक की थी, अब तो फ्लाइट वैसे थोड़ी सस्ती है, तो मैंने तो 1 महीने पहले बुक की थी, तब तो ऐसा माहौल भी नहीं था, आपको बता था कि जब थोड़ा सा ज्यादा पैनिक हुआ है दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने यानी कहने मतलब 4,000 रुपये तकरीबन एक्स्ट्रा पे करके 57,000 की मुझे पड़ी थी, रिफंडेबल फ्लाइट थी, क्योंकि अगर डेट चेंज या रिफंड कराना पड़ता तो इशू ना हो, ओके 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 तो ओके इसमें जिसमें दुबई का स्टे भी है 1 दिन का। ओके। तो अच्छा, अभी जाते टाइम तो आपका सिर्फ ट्रांजिट था, ट्रांजिट कितने देर कितने घंटे का था दुबई में? वैसे तो हमारा 4 घंटे का था, पर फ्लाइट दुबई का जो सिस्टम मैंने देखा ना और लोगों से सुना, तो वो कहता है ये अपनी मर्जी से चलते हैं, कहने का मतलब इनका टाइम नहीं, दिल्ली से भी तकरीबन उन्होंने एक तकरीबन 40-45 मिनट डिले से फ्लाइट डिपार्च हुआ, और जब हम दुबई से दोबारा डिपार्च हुए, हमारा डिपार्च वहां से था 8:45 का, तो वो तकरीबन 8:45 की बजाय भी 9:45 हो गए थे, ओके ओके 9:45 के बाद भी हम जो टर्की में एंटर किए ना, जैसे सुबह 12:40-24 को टर्की में एंटर करना था हमने, तो वो हमारा तकरीबन मुझे लगता है शायद 3 के नजदीक 3 बज गए, हमारे 2-2.5 घंटे लेट थी फ्लाइट। ओके 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 अच्छा तो ट्रांजिट करते टाइम दुबई में कोई दिक्कत आई, कोई इशू आया, किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा नहीं रहे नहीं हो? दुबई दुबई में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, ट्रांजिट के लिए तो कोई मतलब ही नहीं, क्रॉस दुबई दुबई में थोड़ा चेकिंग ज्यादा सर, दुबई पेपर वर्क ऑल ओवर ओरिजिनल होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, डॉक्यूमेंट मतलब वगैरह चेक करते हैं डॉक्यूमेंट वैसे और ध्यान से, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आपके पूरा पास ध्यान से, होने? दिल्ली में भी सर दिल्ली में चेकिंग कम है, दुबई में चेकिंग ज्यादा है, टीआरपीसी जो सर्टिफिकेट है दोनों का उसके लिए। अच्छा तो आप लोगों के चेक हुए थे डॉक्यूमेंट्स दुबई में? हाँ दुबई दुबई में भी बकायदा उन्होंने देखा भी, स्टैंप लगी हुई है आरटीपी हर चेक की, बस तो वो वो देखते ही देखा हैं कि भाई उन्होंने, हाँ बट बस बस डॉक्यूमेंट है कि नहीं सारे, यही देखते हैं ना। बिल्कुल सही। हाँ जी ओके 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 तो और कोई इशू नहीं आया आपको वहां पे, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना दुबई में और ना ही अपना कहने का मतलब कोई दिल्ली में है, दिल्ली अच्छा में तो आपको तो बता दिया भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हाँ, तो चलो जब फाइनली आप उधर पहुंच जाते हो टर्की में, इस्तांबुल में, तो हाँ जी, इस्तांबुल में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? और दूसरे नंबर पे उनका मैंने एक चीज नोट की, उनका जो स्टाफ है सारा का सारा यंग है, ओके कहने का मतलब, और फ्रेंडली है बिल्कुल, उन्होंने मेरा फ्रेंड था वो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर है ये मिस्टर मनोज कुमार, ओके ओके तो इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया था, मैंने कहा भी अगर कोई इसको इमिग्रेशन में दिक्कत आएगी तो मैं इसको कर लूंगा साथ में, अच्छा, कोई जो राउंड पे आया है उसको लेके मनोज जी फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, राइट? या ये फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया आया मेरे साथ। तो आपको कोई इशू आया सर, आपको इशू आया कोई? सर ऑल ओवर बेस्ट था सर, मैंने जब वहाँ यहाँ इमिग्रेशन पास पहुंचा तो मुझे उसने यही पूछा कि आपने किडनी डोज लगवाई, किडनी अच्छा डोज लिया कोरोना की, ओके हाँ सर्टिफिकेट दिखाया मैंने, मैंने टू क्या थ्री, फिर वो बोला थ्री या टू, मैंने बोला टू, फिर उनका वही सवाल था वही क्वेश्चन था, फिर थ्री या टू, मैंने अच्छा बोला फिर टू, अच्छा फिर उसने बस जो अपनी कार्रवाई की चेक किया वगैरह गो गो ओके में, ओके क्योंकि और क्योंकि मैंने अभी दिल्ली में बूस्टर डोज लगवाई बूस्टर आज। डोज का भी चल रहा है ना, कई कंट्रीज ने बोला कि भाई बूस्टर डोज भी लगवाओ। हाँ वो बूस्टर डोज का इशू है वैसे, पर जो रूल है ना 6 महीने का, जैसे अभी 6 हमारा 6 महीने को डोज को अभी हुआ नहीं,
तो इसके कारण मुझे पता था भी, वैसे मैंने बूस्टर के डोज का जब सुना था तो मैंने साथ की साथ अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर लिया था भी, मेरा अभी 6 महीने वो तो नहीं कहीं निकल एक्सपायरी तो नहीं होगी उसकी, तो इसलिए मुझे उसका कोई स्ट्रेस नहीं था भी किसी टाइप का। मुझे भी अगर मुझे क्वेश्चन पुटअप होगा तो कह दूंगा मैं, मेरा तो अभी 2 महीने में एक्सपायर होगा इसका जो है, इसलिए मैंने बूस्टर का कोई इशू नहीं था। ओके ओके तो मुझे भी तो मैं भी सर, पीछे था, मुझे भी उन्होंने सिंपल सेम यही पूछा भी, हाँ आपके हाँ साथ है? मैं कहा यस। ओके तो ओके कितने दिन स्टे करना है? नहीं तो ऐसे भी अगर मान लो भाई किसी को इंग्लिश कम आती है, मान लो अगर दो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं किसी को इंग्लिश कम आती है, तो जिसको इंग्लिश आती है वो उस बंदे का टेक केयर कर सकता है भाई, ऐसा भी मतलब मैनेज कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू हाँ नहीं है इसमें। भैया, उसमें मैंने सिंपल सी बात है, जो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना, मैं तकरीबन 2006 से रेगुलर ट्रेवल कर रहा हूँ, ओके ओके तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो अगर आपके साथ फ्रेशर जा रहा है ना, जहाँ जिसको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको इमिग्रेशन के टाइम आगे कर दो, क्योंकि अगर आप उसके पीछे होंगे ना तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप पहले निकल गए इमिग्रेशन के बाद, वो फिर आने नहीं देते तो वापस। फिर होपलेस हो जाएगा थोड़ा बहुत बंदा, बंदा फिर होपलेस हो जाता है थोड़ा। और सर एक बात ये है, जो भी आना चाहता है, जो जिसको इंग्लिश नहीं आती, नहीं, उसको को फोन में गूगल ट्रांसलेट जरूर लेके चले, जरूर लेके चले, नहीं वो भी काफी हेल्प वो करता बड़ी है। चीज है, बहुत हेल्प करता है जी वो। हमारे साथ ऐसे हुआ, होटल हुआ हमारे साथ, होटल पे यहाँ तुर्की वालों इंग्लिश भी नहीं आती। ओके ओके ठीक हाँ, एक ठीक होटल ठीक रुके, हमने उससे बोला आप मेरे को ऑर्डर दीजिए, हमें वो समझ ही नहीं पाए, तो मैंने फिर भी समझाया अपने तरीके से, नहीं समझ पाए, तो मैडम तो समझ गई होटल वाली, हो उसने आगे वर्कर भेज दिया अपना, ओके ओके मेरे को ऑर्डर दीजिए, ओके वो मेरे पीछे से रूम में आ गया, रूम में आ गया, तो मैंने उसे दिखाया ये चीजें, ये भी मिल्क पाउडर, और भी ओके मिल्क, वो चला गया, वो मिल्क पाउडर या मिल्क ग्लास का दूध ले आया। ओके तो ये है थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, फिर सर वो बोला, मैंने हम स्माइल कर दी, तो वो भी हंस पड़ा। वो बोला फिर क्या, कह रहा गूगल गूगल ट्रांसलेट करो, फिर मैंने गूगल पे लिखा, इंग्लिश में बोल दिया, फिर वो समझ गया, अच्छा मिल्की पाउडर, फिर वो समझ गया। ओके ऐसे है ना ओके भैया, जो टर्किश देखने में बिल्कुल इंग्लिश है, हाँ जब पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसे महसूस होगा भी, शायद जो आप चीज देख रहे हैं, जो उसका नाम पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा भी जैसे वाटर, मतलब उसका वाटर के स्पेलिंग आपको वाटर लगे, वो भी और कुछ, हाँ हाँ हाँ, पढ़ने मतलब में और सही कह देखने रहे हो में, सही कह रहे बोलने हो। में बहुत फर्क है। इनको इंग्लिश ऐसे लगा लो भी, 100 में से 1 आदमी को, जहाँ जो मिलता रहता है ना, जो भी वैसे बड़े बड़े वैसे लोग हैं, वैसे लोग फ्रेंडली हैं अभी घूमने के टाइम के हिसाब से, कैसा है बहुत टर्की? ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होटल में तो खास करके, और वैसे भी जो लोग हैं ना, यूरोपियन टाइप के हैं यहाँ पे, तो हाँ आपको कल्चर कुछ यूरोपियन इजीली कल्चर नहीं है, लगेगा। आपको लगेगा ना कि आप हाँ किसी हाँ मुस्लिम कंट्री में हो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये एडवांस कंट्री है कहने का मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और फ्रेंडली भी है वैसे भी कहने का मतलब, सफाई के मामले में कह लें, यहाँ कहने का मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा तो आप इमिग्रेशन आपका हो गया, आप जब एयरपोर्ट से अपने होटल तक आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए कैसे आए? नहीं, मैं ऐसे आया, मैं वैसे मैं टैक्सी के थ्रू आया, मुझे ना अपना दुबई एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तानी भाई मिल गया था पंजाब से, फैसलाबाद से, तो वो उसके बाद TR3 यहाँ की टर्की की, ओके तो ओके फ्लाइट में ओके उससे बात होती रही, तो उसको काफी नॉलेज था यहाँ का, कहता मैं ओके 2 साल से तकरीबन हूँ, वैसे बाहर तो कम निकलता हूँ, तो हमने क्या किया फिर, हमको ये था भी, हमको पता था यहाँ पे टैक्सी के नाम पे बहुत लूट होती है, जो मैं यहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं ना, वो आपको देते हैं जैसे, यानी तकसीम स्क्वेयर यहाँ पे हैगिया सोफिया के नजदीक जाना है, तो आपको वो 40 यूरो लेंगे, कहने का मतलब इंडिया का तकरीबन 4,000 या 3800 रुपये बन जाता है, ओके 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 जबकि अगर टैक्सी अगर आप सही लेके जाएंगे तो तकरीबन 200 या 225 लीरा इंटू 6 आप कर लें, कितना, 1500 रुपये बनता है। ओके तो ओके हमने हमने उसके साथ टैक्सी शेयर कर ली, उसको कहा, वो उसके रास्ते में था, उसको कहा भाई आप तो वैसे फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, तो वो कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके साथ शेयर किया, उसको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आती थी यहाँ की, तो टैक्सी भी हमको अच्छी मिल गई, इसलिए हमको पहुंचने में कोई किसी टाइप की दिक्कत नहीं आई होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस तरीके की ट्रिक्स आपको तब आएंगी जब आप ट्रैवल करोगे जैसे इन्होंने। अच्छा हाँ, एक मनदीप बार जी, ट्रैवल में दिक्कत है तो अमनदीप जी आपने, सर आपकी एक बार ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? मेरी सर हाँ सर मेरा ऐसा है, मैं 2006 से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा तकरीबन यानी कि मैं यूके ट्रैवल कर चुका हूँ 2011 में, ओके 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 तो ताइवान हो गया, चाइना का वीजा लगा रहेगा कोरोना के कारण, ओके ओके ताइवान हो गया, वियतनाम ओके हो गया, थाईलैंड कई बार ट्रैवल हूँ, दुबई का मेरा कोई अनलिमिटेड है, ओके 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 उसके बाद जॉर्डन हो गया, श्रीलंका हो अरे गया, वाह अरे वियतनाम हो गया, वाह इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद मिडिल ईस्ट में आपका आ जाता है, साथ में कतर आ जाता है, जॉर्डन हो गया, तकरीबन मैं मेरा यानी कि तकरीबन हर 3 या 4 या 6 महीने में एक बार मिनिमम, तकरीबन अब मैं यानी कि लास्ट टाइम मैं जब इंडिया से बाहर गया था तो वो मेरा था
जब फरवरी में कोरोना यानी कुछ स्टार्टिंग हुआ था तभी, तो ओके 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 ओके, यानी आज से 1 साल 11 महीने पहले मेरा लास्ट ट्रैवल था ताइवान के लिए। ऑल राइट ठीक है ठीक है। हाँ जी, अच्छा अमनदीप जी, काफी टाइम पहले आप लोगों को देख रहे थे वीडियोस में, आप खुद आप वीडियो में हो, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। वैसे आपसे बात करने की इच्छा भी थी मेरी, ओके तो आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है ठीक है। तो भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को शेयर करना आप। टर्की की इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको होपफुली मिल गई होगी, और एक नई चीज़ इन्होंने बताई टैक्सी के बारे में और फ्लाई दुबई के बारे में, कि फ्लाई दुबई से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो सर कुछ और बताना चाहो आप? हाँ जी, एक बात बताना चाहूंगा। वैसे तो फ्लाई दुबई का, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस भी, इनका जो लोगों का वर्डिंग है, जो मेरे साथ थे पाकिस्तानी भाई भी था, वो भी कहता था इनकी फ्लाइट हर बार लेट ही चलती है, मोस्टली कहता है इनका, यानी कि इनका कोई टाइम नहीं है। कहता दुबई से भी ऐसे जाएंगे ना, जो मर्जी से चलते हैं, कोई फिक्स टाइम वाला काम नहीं है। 2 बजे का टाइम है तो इनका ये नहीं पता 3 बजे यहाँ से डिपार्च करें या 3:30 बजे करें। वैसे इनका खाना वगैरह अच्छा है, सर्विस के मामले में अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। तो ठीक है सर, आपने अपना टाइम निकाला और इतना अच्छा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया, तो भाई इसको शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितना आप शेयर करोगे ट्रैवलर्स की उतनी ज़्यादा हेल्प होगी भाई। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर।